स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और हम ऑलरेडी स्पोर्ट्स प्राइज में जो क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम कवर कर चुके हैं, वर्ल्ड कप हम उसमें ले चुके हैं, वर्ल्ड कप के और भी जो क्वेश्चंस आगे आएंगे वो हम आगे मिसलेनियस जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चलेगी हम उसमें आपको कवर करवा देंगे। आज जो हम स्पोर्ट्स प्राइज ही हम लेने वाले हैं लेकिन उसमें जो हमारी कैटेगरी है वो है फिल्म अवार्ड्स और अवार्ड्स रिलेटेड टू सिनेमा। तो जो भी फिल्म जगत से पुरस्कार जो भी रिलेटेड पुरस्कार हैं वो हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो ये याद रखिएगा, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो सिनेमा की कैटेगरी में दिए जाते हैं, जैसे जी सिने अवार्ड्स भी है, स्टार की तरफ से स्टार स्क्रीन अवार्ड्स भी दिए जाते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं अवार्ड्स पर फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए इसको मैंने कैटेगराइज कर दिया है कि इसमें ये सबसे ऊपर सबसे पहला है बेस्ट फिल्म। तो सभी अवार्ड्स का बेस्ट फिल्म का आपको बताया जाएगा, बेस्ट एक्टर बताया जाएगा यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट एक्ट्रेस बताया जाएगा थर्ड कॉलम में, फोर्थ कॉलम में है आपका बेस्ट डायरेक्टर, और ये जो फिफ्थ कॉलम है इसमें आपको जो भी मिसलेनियस मतलब उस पर्टिकुलर अवार्ड से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो लिखे गए हैं कैटेगराइजेशन के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, ये 2019 का अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ये 76th है। कौन सा है? 76th गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो 2019 में दिया गया है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमें याद रखनी है बेस्ट फिल्म क्या है, तो गोल्डन ग्लोब की बेस्ट फिल्म है बोहेमियन रैपसोडी। कौन सी है? बोहेमियन रैपसोडी। इसके अलावा जो बेस्ट एक्टर है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वो दिया है रामी मलिक को, बेस्ट एक्ट्रेस गोल्डन ग्लोब में मिला है ग्लैन क्लॉस को, और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड है जो याद रखना है गोल्डन ग्लोब में दिया गया है वो है म्यूज़िकल कॉमेडी है उसके लिए अवार्ड। तो ये याद रखिएगा कि म्यूज़िकल कॉमेडी के लिए जो अवार्ड मिला है वो मिला है ग्रीन बुक को। किसको मिला है? ग्रीन बुक को। ग्रीन बुक को ही ऑस्कर अवार्ड भी मिला है बेस्ट फिल्म के लिए, वो अभी हम नीचे देखेंगे, लेकिन गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड्स हैं उसमें म्यूज़िकल कॉमेडी जो अवार्ड है वो भी ग्रीन बुक को मिला है। ठीक, तो हमने ये देख लिया। उसके बाद दूसरा जो इम्पॉर्टेंट अवार्ड है 72nd बाफ्टा अवार्ड्स। बाफ्टा अवार्ड्स जो हैं ये ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी अगर देखें तो ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविज़न अवार्ड्स। तो ये ब्रिटिश जो आपका एकेडमी है उसकी तरफ से दिए जाते हैं। इसमें जो बेस्ट फिल्म है बाफ्टा में वो करी गई है बेस्ट फिल्म रोमा। जो बेस्ट एक्टर है वो है रामी मलिक। सेम रामी मलिक को ऑलमोस्ट सभी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, गोल्डन ग्लोब में भी वही थे और बाफ्टा में भी वही है रामी मलिक। बेस्ट एक्ट्रेस में जो बाफ्टा में है वो है ओलिविया कोलमैन। कौन है? ओलिविया कोलमैन। इसके अलावा इसमें और कोई अवार्ड इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो इसमें तीन ही अवार्ड हैं बेस्ट फिल्म का, बेस्ट एक्टर का और बेस्ट एक्ट्रेस का। तो बाफ्टा में बेस्ट फिल्म कौन सी है? रोमा। बेस्ट एक्टर कौन है? रामी मलिक, सेम है। और ओलिविया कोलमैन क्या है? बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस हैं। ओलिविया कोलमैन को ही ऑस्कर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। तो अब आते हैं हम जो हमारे 91st ऑस्कर अवार्ड्स हैं, इनको हम एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। तो ये है 91st ऑस्कर अवार्ड्स। देखिए मैंने बताया था जो म्यूज़िकल कॉमेडी के लिए जो फिल्म का अवार्ड मिला था गोल्डन ग्लोब में, जो कि ग्रीन बुक को मिला था, ग्रीन बुक को यहाँ पर ऑस्कर अवार्ड में क्या मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड। रामी मलिक सेम बेस्ट एक्टर का अवार्ड है और ओलिविया कोलमैन बेस्ट एक्ट्रेस हैं। किसमें? ये हैं आपका ऑस्कर में। तो ओलिविया कोलमैन जो बेस्ट एक्ट्रेस के, इन्हें दो जगह अवार्ड मिले हैं, एक तो आपका मिला है ऑस्कर में और एक मिला है बाफ्टा में। गोल्डन ग्लोब में केवल क्या है, जो एक्ट्रेस हैं वो चेंज हैं। गोल्डन ग्लोब में एक्ट्रेस कौन है? ग्लैन क्लॉस। इसके अलावा जो ऑस्कर अवार्ड में दो तीन इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स और हैं जो हमें याद रखने हैं वो हैं आपका, एक तो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यह है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट। ये अवार्ड जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो हमारे इंडिया की जो मूवी थी पैडमैन, जिसके मुरुगनाथन जिन्होंने लिखा था, डायरेक्ट की थी, तो पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस जो मूवी है
ये डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के लिए चूज की गई है ऑस्कर के द्वारा, तो ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक शॉर्ट मूवी है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बेस्ड है, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। ऑस्कर अवार्ड में दो और इम्पॉर्टेंट अवार्ड हैं, वो हैं बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म अवार्ड। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है किसको? फ्री सोलो को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको मिला है? फ्री सोलो को। और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का, जो एनिमेटेड फिल्म है वो मिला है स्पाइडर मैन इनटू द स्पाइडर वर्स, ये आपका बेस्ट एनिमेटेड है। तो तीन अवार्ड इसमें स्पेशल हो गए ऑस्कर में, जैसे बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट फिल्म। तो हमने देखा बेस्ट फिल्म हमारी कौन सी थी? ग्रीन बुक। बेस्ट एक्टर थे रामी मलिक, सेम। और जो बेस्ट एक्ट्रेस थी वो थी ओलिविया कोलमैन, जिनको बाफ्टा भी मिला है। इसमें तीन कौन से थे जो इंपॉर्टेंट है? एक तो डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट, ये इनको मिला है, इसको मिला है पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस को ऑस्कर अवार्ड। इसके अलावा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फ्री सोलो और बेस्ट एनिमेटेड फिल्म स्पाइडर मैन इंटू द स्पाइडर वर्स। इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट है आपका, फोर्थ इंपॉर्टेंट अवार्ड, वो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये हर साल गोवा में होता है। ये इस बार जो इसका एडिशन था 49th एडिशन था। तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2018 के जो अवार्ड्स हैं, अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछा जा सकता है। जैसे गोवा में हुआ था तो जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है, जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था तो उस टाइम पर जो फिल्म चलाई गई थी, उद्घाटन फिल्म कौन सी थी? तो वो थी ओलू। तो उद्घाटन फिल्म थी ओलू और एंडिंग फिल्म थी, यानी समापन के दौरान जो फिल्म थी वो थी सील्ड लिप्स। कौन सी थी? सील्ड लिप्स, जो आपको याद रखना है। ओलू और सील्ड लिप्स क्या थी? उद्घाटन और समापन फिल्में। इसके अलावा जो इसके प्राइज हैं वो एक था आपका, ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो इफ़ी है जो गोवा में हुए थे अवार्ड्स, उसमें विशेष प्राइज किसको दिया गया है? स्पेशल प्राइज जो मिला है वो मिला है सलीम खान को। किसको मिला है? सलीम खान को। इसके अलावा एक मिला है इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो मिला है डेन वॉलमैन को। डेन वॉलमैन, इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। एक है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, ये मिला है डॉन बास को। किसको मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड? ये मिला है डॉन बास को। इसके अलावा इसमें चूंकि इंडिया के हैं, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुए थे, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड इसमें जो मिला है वो मिला है चंबन विनोद को। किसको मिला है? चंबन विनोद को। और जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो मिली हैं अनास्तासिया पुस्तोवित को। अनास्तासिया पुस्तोवित, ये क्या है? बेस्ट एक्ट्रेस। इसके अलावा आपसे थीम पूछी जा सकती है, तो थीम जो है वो है स्प्रेड ऑफ द जॉय ऑफ सिनेमा। क्या है थीम? स्प्रेड ऑफ द जॉय ऑफ सिनेमा, ठीक है। उसके अलावा है आपका फोकस राज्य और फोकस देश पूछा जा सकता है, तो फोकस राज्य और फोकस देश कौन सा है? फोकस राज्य है झारखंड और फोकस देश है इजराइल। क्या है? फोकस राज्य है झारखंड और फोकस देश क्या है? इजराइल। तो फोकस राज्य क्या है, कौन सा है? फोकस राज्य है झारखंड और फोकस देश है इजराइल, ये याद रखना। और थीम क्या है? स्प्रेड ऑफ द जॉय ऑफ सिनेमा। तो ये देख लिया हमने जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया थी, बेस्ट फिल्म जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया जाता है बेस्ट फिल्म को, वो देख लिया। विशेष प्राइज देख लिया सलीम खान, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देख लिया डेन वॉलमैन, उद्घाटन फिल्म समापन फिल्म देख ली। इसके अलावा और हमने जो आपका फोकस देश है इजराइल और फोकस राज्य झारखंड थीम। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट अवार्ड है इंडिया के ही, ये थे 64th फिल्म फेयर अवार्ड जो 2019 में दिए गए थे। ये याद रखिएगा 64th हैं ये, क्योंकि आपसे कभी कभी ये इसका एडिशन भी पूछ लेता है कि कौन से फिल्म फेयर अवार्ड थे, किस कौन से नंबर के। तो 64th फिल्म फेयर अवार्ड 2019, इसमें जो बेस्ट एक्टर, जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो मिला है फिल्म राजी को, जो कि आलिया भट्ट इसमें उन्होंने निर्देश वो करा था, एक्ट्रेस थी। और रणबीर कपूर को मिला है बेस्ट एक्टर। रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए मिला है? आपकी संजू के लिए। और जो आलिया भट्ट हैं, आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड, ये मिला है इनको राजी के लिए। मेघना गुलजार कौन है इसमें? बेस्ट डायरेक्टर, ये याद रखिएगा। बेस्ट डायरेक्टर इसमें फिल्म फेयर अवार्ड का मेघना गुलजार को मिला है। और इसमें बेस्ट प्लेबैक सिंगर भी याद रखिए, मेल और फीमेल, तो मेल में मिला है अरिजीत को और फीमेल में मिला है श्रेया घोषाल को।
तो ये आपके फिल्म फेयर अवार्ड हैं, क्योंकि फिल्म फेयर अवार्ड हमारे इंडिया के ही हैं, तो पता होना चाहिए बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट प्लेबैक सिंगर, मेल फीमेल, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा बात करते हैं 61st ग्रैमी अवार्ड 2018। देखिए इसमें बेस्ट फिल्म या ये सब नहीं दिया, ये इसमें जो मेन है, इसमें तीन अवार्ड हैं, वो है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, एक है आपका एल्बम ऑफ द ईयर, और एक है आपका सॉन्ग ऑफ द ईयर। तो ग्रैमी अवार्ड में आपसे ये पूछा जा सकता है कि सॉन्ग ऑफ द ईयर क्या कौन सा है, तो सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दिस इज़ अमेरिका। यही आपका रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है दिस इज़ अमेरिका, यानी कि इन दोनों को ही सॉन्ग ऑफ द ईयर और जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है वो दिस इज़ अमेरिका है, लेकिन जो एल्बम ऑफ द ईयर है वो मिला है गोल्डन आवर्स को। किसको मिला है? एल्बम ऑफ द ईयर गोल्डन आवर्स को। तो ये था आपका ग्रैमी अवार्ड 61st। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो है, आपसे पूछ लिया जा सकता है, क्योंकि बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें आप बस बेस्ट फिल्म याद रखिए। तो बेस्ट फिल्म जो है वो थी गोल्डन बियर, मतलब जो बेस्ट फिल्म थी उसमें बेस्ट फिल्म में गोल्डन बियर अवार्ड मिलता है, और फिल्म जो थी वो थी साइनोनिम्स। अजीब सा नाम है, क्या नाम है? साइनोनिम्स। ये बर्लिन जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें दिया जाता है गोल्डन, जो बेस्ट फिल्म है गोल्डन बेस्ट फिल्म को गोल्डन बियर का अवार्ड। तो ये है साइनोनिम्स। एक है आपका 24th कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है इसमें भी याद रखिए, जैसे बर्लिन में हमने याद रखा साइनोनिम्स, ये जो है जो कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है इसमें द थर्ड वाइफ, ये वियतनाम की फिल्म है द थर्ड वाइफ, तो इसको क्या मिला है? बेस्ट फिल्म का अवार्ड। तो मेन हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, कुछ नहीं, एक तो इसके आप याद रखिएगा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, इसमें उद्घाटन फिल्म ओलू, समापन फिल्म सीड लिप्स, इसके अलावा विशेष प्राइज आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सलीम खान, और जो बेस्ट फिल्म है डॉन बास है, एक्टर कौन है? चंबन विनोद, एक्ट्रेस हैं अनास्तासिया पुस्तोवित, ठीक है। इसके अलावा थीम स्प्रेड ऑफ द जॉय, फोकस राज्य झारखंड और इसराइल देश है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी ऑस्कर अवार्ड हमने देख लिए। रामी मलिक तीनों में ही, चाहे वो बाफ्टा हो या वो गोल्डन ग्लोब हो या ऑस्कर हो, तीनों में ही बेस्ट एक्टर हैं, लेकिन जो ओलिविया कोलमैन केवल बाफ्टा और ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट एक्ट्रेस हैं, जबकि गोल्डन ग्लोब में कौन है? गोल्डन ग्लोब है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, गोल्डन ग्लोब में अलग है, जी सिंह है, ग्लैन क्लॉस, ठीक है। ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट कुछ प्राइज, और ये आप एक याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। तो ये जो थे मतलब फिल्म से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार थे जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने सभी कवर करवाए हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।